हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो आपके इलेवेंथ और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यहां से आपका जो मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है और आपको ये चैप्टर अगर बेस्ट पॉसिबल वे में आता है तो आगे जाके जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे दैट इज अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ये तो आपको पढ़ना है मोशन इन अ प्लेन वर्क पावर एनर्जी और उसके बाद लाइक मोमेंटम वगैरह आगे जाके जो भी पढ़ोगे आप उसमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इसके जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए आगे जैसे ही फिजिक्स प्रोसीड होते जाएगा तो वहां पे आप थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ने वाले हो उसके बाद काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस भी आएगा ऑसुलेशन वेव्स आने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड और उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज ये सारी चीजें भी आएगी तो ये तो हो गया इलेवे स्टैंडर्ड के बारे में तो कोई भी चैप्टर आप उठा के देखो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट जहां पे मूवमेंट आती है लाइक like वेलोसिटी होगा एक्सेलरेशन होगा फोर्स होगा है ना डिस्प्लेसमेंट अगर आपके पास है वर्क एनर्जी ये सारी चीजें जहां पे भी आती है तो वहां पे आपको मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के जो बिगिनिंग वाले कॉन्सेप्ट है वो सब अच्छे से आने चाहिए ये तो हो गई इलेव स्टैंडर्ड की बात ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में भी अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक देखते हो चार्ज पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे आप मूव करवा रहे हो करंट इलेक्ट्रिस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक उसके बाद अगर आप लाइट वाला सेक्शन देखते हो तो लाइट अगर आपकी ट्रैवल कर रही है तो वहां पर भी आती है वेव्स कोई भी चैप्टर आप उठा के देखो तो हर जगह पे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ये जो पार्ट है वो आता ही है और आपको ये सही ढंग से कॉन्सेप्ट इसके पता होने ही चाहिए एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ठीक है ये पार्ट स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर दैट आपने प्रीवियस जो वीडियोस मैंने अपलोड किए वो भी आप देख लो जिसमें आपका जो इलेवेंथ स्टैंडर्ड है उसका यूनिट्स डायमेंशन एंड मेजरमेंट ये वाला जो आपका एक यूनिट है वो मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है एकदम बेसिक लेवल से जिसमें हम लोग प्रॉपर एनसीआरटी बेस्ड कंटेंट देखने वाले एट द सेम टाइम जो भी रेफरेंस बुक्स वो यूज़ करके मैंने एक बेहतरीन नोट्स इजिली प्रोसेस हो जाते हैं और अननेसेसरी जो एनसीआर जब भी आप इनिशियली पढ़ने की कोशिश करते हो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड से बहुत सारे बच्चों का टाइम किल हो जाता है तो यूनिट्स मेजरमेंट्स ये जो पार्ट है पूरा उसके लिए मैंने एनसीआर बेस्ड ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हैं अलॉन्ग विद दूसरा आई आई टी जेई मेन्स एडवांस के अगर आप स्टूडेंट हो या फिर नीट के स्टूडेंट्स हो तो उनके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए हैं तो आपको किस तरह से ये वीडियोस को फॉलो करना है सबसे पहले आप कॉन्सर्ट बिल्डर सीरीज देखोगे फॉर एग्जांपल यूनिट्स डायमेंशन इसका जो कॉन्सर्ट बिल्डर है या फिर एनसीआर वाला जो पार्ट है उसमें लाइक like मैंने फोर फाइव वीडियोस अगर अपलोड किए हैं जो लाइक फिफ्टी मिनट से लेके वन आर वन आर टेन मिनट इसके ड्यूरेशन में एक वीडियो होगा तो आप सही ढंग से देखो जिसमें आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाता है मतलब जब भी हम लोग कॉम्पिटि फिजिक्स के बारे में बात करते हैं तो वहां पे आपको फास्ट कैलकुलेशन करने होते हैं लेकिन वो कैलकुलेशन समझने के लिए पूरा फिजिक्स अगर आपको सही ढंग से पता है तो फिर स्पीड अप आप चीजें कर सकते हो तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट बिल्डर वाले जो बोर्ड्स वाले एनसीआरटी वाले जो वीडियोज है वो आप सही ढंग से पहले देखो आपको क्या करना है आपको वीडियोज ऐसे ही नहीं देखने हैं आपको प्रॉपर एक नोटबुक लेके बैठना है मतलब जो आप लाइव क्लासरूम में करते हो ना या जो हम लोग लाइव क्लासरूम में करते थे पहले वैसे आपको प्रॉपर नोटबुक लेके बैठना है एक फ्रेश नोटबुक आप फिजिक्स के लिए बनाओगे जिसमें आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो जैसे जैसे ये वीडियोस आगे प्रोसीड होते जाएंगे आपके पास एक प्रॉपर खुद से लिखे हुए रिटर्न नोट्स होंगे तो अगर बोर्ड से रिलेटेड कोई भी चीज एग्जाम में आती है जो आपको हंड्रेड मार्क का पेपर जो होता है ना आपका जो आपको लिखना है लाइक जिसमें प्रैक्टिकल्स और आपका थियरी भी आता है तो उसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको फिजिक्स में हंड्रेड में से नाइन्टी फाइव नाइन्टी सिक्स नाइन्वेटी एट नाइनटी नाइन मिल चुके हैं तो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है वो है ना तो आप सबसे पहले जाके वो वीडियो देखो सही ढंग से आप वीडियो देखो और अपने नोटबुक में चीजों को कॉपी करते जाओ

उसमें देखो ना जो वीडियोस मैंने अपलोड की है वो तो लाइक पहले तो कॉन्सर्ट बिल्डर सीरीज उसमें आपको चार पांच वीडियोस दिखेंगे अलोंग है है दूसरा जो है, वो दैट अलॉन्ग विज कॉम्पिटिटिव उसमें आपको पास 42 टू प्लस ईयरस के क्वेश्चन दिखेंगे अलॉन्ग विद सेग्रीगेशन मतलब कॉम्पिटिव फिजिक्स का जो पहला पार्ट है दैट इज अ डायमेंशन और उसका एनालिसिस है सेकेंड वाला जो है वो एरर से रिलेटेड है थर्ड वाला अगर आप देखते हो तो उसमें हम लोग ने आ, एडिशन सम ऑफ एरर्स एडिशन ऑफ एरर्स उसके बारे में थोड़ा सा बात किया लाइक एरर से रिलेटेड बात है और उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना लाइक आपके पास माइक्रोमीटर है या फिर स्क्रू गेज है तो ये चार जो पार्ट है ना इसके ऊपर ही आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे

प्रॉपर लिंक्स दे दिए हैं तो वहां से जाके आप कौन से रेफरेंस बुक से क्या प्रैक्टिस करना है along with solution, मतलब उसके लिख दिए पे तो आप देख लेना ठीक है तो आपको आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा और आपको feel आएगा कि आप classroom में बैठ के ही पढ़ रहे हो ठीक है थीके? तो ये सारी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए इन गोइंग टू स्टडी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मैकेनिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो ये जो सेक्शन है उसमें हम लोग को पूरा बात करना है अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और वो अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो उसके बारे में सो मूवमेंट के के बारे बारे में में हम लोग को बात बात करना है 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 मोशन मोशन तो जब जब भी 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 कोई ऑब्जेक्ट एक एक कवर करता ना या एक जगह से जबी दूसरी जगह पे जाता है तो कुछ चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है जैसे कि एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जब भी वो गया तो डिस्टेंस कितना कवर किया डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया अभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग चीजें होती है थोड़े टाइम के बाद हम लोग बात करने वाले हैं लेकिन यहां पे हम लोग को यह समझ के लेना है एक जगह से जब भी वो दूसरे जगह पे गया था तो टोटल टाइम कितना लगा इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जब भी वो फाइनल पॉइंट पे पहुंचा तभी फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है उसके बाद जब भी वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी टाइम ड्यूरेशन आपके पास है सो चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम आपके पास है तो दैट गिव्स यू एक्सेलरेशन है ना तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये जो सारी चीजें हैं वो आपको ये चैप्टर में पढ़नी है ठीक है तो वन बाय वन हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि mechanics जो होते हैं उसको किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है तभी जाके ये जो चैप्टर है उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो आपको सही ढंग से समझेगा सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन यहाँ पे एक वर्ड है स्टैटिक स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट अभी आप बोलेंगे अरे सर ऊपर तो आपने बोला है ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स स्टडी ऑफ अ मोशन तो पहले तो आप बोल रहे हो मोशन के बारे में जिसको मैकेनिक्स बोला जाता है लेकिन यहां पे क्लासिफिकेशन में पहले पॉइंट में आप बोल रहे हो स्टैटिक के बारे में बात करनी है ठीक है तो यहाँ पे स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रेस्ट अगर ऑब्जेक्ट आपका एक जगह पे है तो उसको हम लोग बोलेंगे रेस्ट लेकिन फिर क्वेश्चन ये आता है कि रेस्ट ये वाली जो चीज है वो मोशन में क्यों डाली है ठीक है एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक पार्टिकल मेरे पास एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है और वहां से मान लो उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया ठीक है ऐसा गया डायरेक्शन चेंज किया समथिंग लाइक दिस या फिर ऐसा गया और सेम पाथ से वो रिवर्स आ रहा है तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है ना डायरेक्शन चेंज करता है या रिवर्स आता है तो ऐसे स्पेसिफिक केस में एक पॉइंट ऐसा होता है देखो जब भी वो रिवर्स आ रहा है ना तभी ना उसको थोड़े टाइम के लिए ना रुकना पड़ता है तो ऐसे टाइम पे ना वो जो होता है ना वो अपनी जगह पे होता है दैट्स वाई स्टैटिक ये एक मोशन के अंदर ही चीज आती है दैट्स वाई हम लोग स्टैटिक को भी मैकेनिक्स के अंदर ले रहे हैं दैट इज स्टैटिक रेस्ट तो यहां पे जो टाइम फैक्टर होता है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता तो टाइम फैक्टर ये जो चीज है ना ये हमारे मैकेनिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्यों हम लोग थोड़े टाइम के बाद पढ़ने ही वाले उदाहरण के तौर पे देखो ना मान लो आप यहां से इसे भागते आ रहे हो और उसके बाद सडनली आपको पीछे जाना है तो जब आप पीछे जाते हो ना तो वहां पे कुछ पॉइंट ऐसा आता है मोमेंट एक ऐसा आता है जहां पे आपको रुकना पड़ता है आप एक जगह पे स्टेबल हो जाते हो स्टैटिक हो जाते हो सो स्टैटिक मतलब रेस्ट और जब टाइम रेस्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं तो टाइम फैक्टर जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता या इट डू नॉट हैव एनी रोल तो जब ये मैकेनिक्स बनाया गया था तो कुछ चीज़ें उन्होंने फिक्स करके रखी है हमें क्या करना है उन्होंने जो स्टेटअप करके दिया है उसको पढ़ना है तो यहाँ पे हम लोग अपने तरीके से कुछ अलग से इनपुट नहीं डाल सकते जो चीजें हैं वो हमें सही ढंग से समझनी है और उसके एप्लीकेशन के ऊपर काम करना है एनीवेज काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है स्टडी ऑफ अ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट द फैक्टर्स दैट इज नेचर ऑफ फोर्सेज नेचर ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ बॉडी विच कॉज द मोशन कहने का मतलब क्या है मान लो ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास ये मूव कर रहा है तो जब ये ऑब्जेक्ट मूव करता है बाय सर्टन वेलोसिटी तो ये मूव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ फोर्स तो अप्लाई करना पड़ेगा है नहीं? जब ये डायरेक्शन चेंज करता है तो ऐसे टाइम पे भी वो कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करता है तो हमें क्या करना है ये ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट जो हो रहा है वो आपको कंसिडर नहीं करना है ये ऑब्जेक्ट कौन से मटेरियल से बना है ये भी आपको नहीं चाहिए और उसके बाद ये जो सारी चीज है वो कंसिडर करके आप एक मूवमेंट के बारे में बात करोगे तो उसको ही बोलते हैं काइनामेटिक्स तो कायनामेटिक्स में आप प्योर मोशन के बारे में बात करोगे जिसमें आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी होगी एक्सेलरेशन होगा एक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा उसके बाद एक टाइम इंटरवल होगा तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपके कायनामेटिक्स में आएगी इसमें आप एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सटर्नल कॉजेस के बारे में बात नहीं करने वाले हो ये मटेरियल कौन से ये ऑब्जेक्ट कौन से मटेरियल से बना है उसकी प्रॉपर्टीज उसको अगर आप गर्म करोगे हीट दोगे तो ऐसे टाइम पे वो क्या एक्ट करेगा उसको अगर आप प्रेस करोगे तो क्या एक्ट होगा इसके बारे में आपको बात नहीं करनी है तो ये क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए तो आगे जाके जाओ अब इक्वेशंस पढ़ने वाले हो वी इक्वल टू यू प्लस एटी एस इक्वल टू यू टी प्लस प्लस टू एस ये जो सारी ना, that are part of a kinematics. ये क्यों? जाके पढ़ेंगे लेकिन फिलहाल तो आपको ये एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए नेक्स्ट डायनामिक्स डायनामिक्स का मतलब क्या होता है स्टडी ऑफ अ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट फैक्टर्स लाइक नेचर ऑफ फोर्सेस नेचर ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ बॉडी व्हिच कॉजेस द मोशन तो डायनामिक्स का मतलब क्या होता है देखो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट फैक्टर्स दैट इज नेचर ऑफ फोर्सेस तो ये सारी चीजें आपको डायने में कंसिडर करनी होती है dynamics में हम लोग क्या कंसिडर करने वाले हैं मान लो ये एक ब्लॉक है ये ब्लॉक के ऊपर मैंने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया यहाँ से फोर्स अप्लाई किया जिसके वजह से मेरा ब्लॉक एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये फोर्सेस अप्लाई किया आपने इसके वजह से ये ब्लॉक मूव कर रहा है सो so, हम लोग एक्सटर्नल कॉज कंसिडर करने वाले हैं ऐसे स्पेसिफिक केस में ये जो मटेरियल है वो आपने कौन से सरफेस पे रखा है ये सारी चीज़ें भी मैटर करेगी तो इसके लिए हम लोग जब भी डायनामिक्स पढ़ेंगे तो वो टाइम पे नेचर ऑफ फोर्सेस एज वेल एज नेचर ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ बॉडी ये हमें कंसीडर करना होता है तो ऐसे स्पेसिफिक केस में जो काइनेमेटिक्स है इसमें टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जो डायनामिक्स होता है इसमें भी टाइम फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है समझ रहे आप तो ये होता है मैकेनिक्स और ये होता है मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन लेट्स हैव अ क्विक रिकैप मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद स्टडी ऑफ अ मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में आप क्या पढ़ोगे स्ट्रेटिक स्टैटिक का मतलब होता है समथिंग विच इज अ रेस्ट टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता स्टैटिक को इसमें क्यों इन्वॉल्व किया क्योंकि जब भी डायरेक्शन चेंज होती है तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर टाइम आपका इंस्टेंट आप कंसिडर करते हो और ऑब्जेक्ट आपका एक थोड़ा सा रेस्ट में आता है तो इसके लिए काइनामेटिक्स मैकेनिक्स uh, में ही इसको इंट्रोड्यूस किया है नेक्स्ट है कायनामेटिक्स स्टडी ऑफ अ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट

कंपेरेटिवली छोटी कार होती है तो अगर कार एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है मान लो उसने एक पांच किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो डिस्टेंस बड़ा हो जाता है और ऐसे के स्पेसिफिक केस में कार आपको छोटी दिखाई देती है है ना मान लो आपके पास अभी बड़ा सा ट्रक है या फिर एक जो सामान बड़े सामान को लेके जाता है ऐसा कुछ ऐसा ट्रेलर है है ना ट्रेलर या ट्रेल क्या बोलते हैं उसको है ना तो वो है आपके पास एक बड़ा सा व्हीकल है वो अगर एक जगह से दूसरी जगह पे आप लेके जाते हो ठीक है और ये चीज को आप एक काम करो सैटेलाइट से देखो जो सैटेलाइट इमेज है ना या फिर गूगल गूगल का आपका जो मैप होता है जिसमें आप देखते हो डायरेक्शन तो उससे अगर आप देखोगे ना तो वो बड़ी सी गाड़ी भी आपको छोटी दिखाई देती है एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हुआ क्या जो कार का साइज है या फिर जो बड़ा व्हीकल है उसका जो साइज है वो रोड के हिसाब से अगर आप देखते ना तो वो बहुत नेग्लिजिबल होता है रोड आपका एक किलोमीटर पांच किलोमीटर दस किलोमीटर सौ किलोमीटर है और यही चीज को अगर आप ऊपर से देखोगे सैटेलाइट इमेजेस से देखोगे या फिर आपके गूगल का जो मैप है उसके हिसाब से देखोगे तो एक पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है ऐसा आपको दिखता है

एक शीप के ऊपर एक पांच दस हजार लोग बैठे हैं कितना बड़ा शिप है तो अगर शीप के खड़े पे अगर आप सारी चीजें देखोगे तो आपको लगेगा कि इट्स सो ह्यूज लेकिन सेम चीज को आप सैटेलाइट से देखो जब भी वो सी में ट्रेवल करती है तो इतनी बड़ी शिप भी आपको एक डॉट के जैसी दिखती है समझ रहे आप? आपके पास एक ट्रेन है है ना बारह डिब्बे की ट्रेन पंद्रह डिब्बे की ट्रेन लंबी सी ट्रेन या फिर जो माल को कैरी करती है कैरियर वाली एक फ्रेट कैरियर बोल फ्रेट बोलते हैं उसको है ना तो ये बड़ी वाली ट्रेन भी अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है मान लो मुंबई से दिल्ली जा रही है और उसको भी अगर आप सैटेलाइट इमेजेस से देखते हो है ना तो वो भी आपको छोटी दिखाई देगी तो बाय कंसिडरिंग द डिस्टेंस अगर आपका ऑब्जेक्ट आप ऑब्जर्व करो तो वो बहुत छोटा है तो ऐसे स्पेसिफिक केस में जो भी ऑब्जेक्ट आप कंसिडर करोगे उसको बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर उसको बोला जाता है मास पॉइंट मास समझ रहे हो क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है सो so, यहां पे देखो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास का मतलब है ऑब्जेक्ट कवर्स ग्रेटर डिस्टेंस देन इट्स साइज इन इट्स मोशन तो जब भी वो मोशन में है तो वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो बहुत ज्यादा बड़ा है लेकिन मान लो आपके पास एक बड़ी सी ट्रेन है पंद्रह डिब्बे की उदाहरण के तौर पर देखते हैं मान लो ये जो ट्रेन है वो कुछ टू हंड्रेड मीटर की ट्रेन है ठीक है और उसने डिस्टेंस कवर किया अभी हंड्रेड मीटर का तो डिस्टेंस अगर वो बहुत कम कवर कर रहे तो ऐसे स्पेसिफिक केस में हम लोग नहीं बोल सकती थी कि जो ट्रेन है वो आपकी पॉइंट है नहीं डिस्टेंस बड़ा कवर करना पड़ेगा ठीक है ना एनीवेज़ तो यह है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि जो भी आप काइनामेटिक्स पढ़ने वाले हो या फिर जो डायनामिक्स हम लोग पढ़ने वाला है तो उसमें हम लोग बात करेंगे एक कार एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है एक ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है एक एरोप्लेन एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है एक क्रिकेट का बॉल आप थ्रो आउट करते हो एक बास्केट बॉल आप थ्रो करते हो है ना तो डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है तो सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग पॉइंट मास कंसिडर करके चलेंगे अगर पॉइंट मास नहीं है तो फिर आपका जो भी एप्लीकेशन आप करने वाले हो जो भी जो भी फॉर्मुल अप्लाई करने वाले हो सारे गलत हो जाएंगे सो सबको ज्यूम करना है आपको दे आर पॉइंट मास पहले ही आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट मास किसको बोलना चाहिए और किसको नहीं बोलना चाहिए एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं रेस्ट रेस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है है ना आप कैसे ही घर में ऐसा पड़े पड़े वीडियो देख रहे हो है ना टीचर मेहनत कर रहे आप ऐसा पड़े पड़े आराम से देख रहे हो मैगी खा रहे हो खाना खा रहे हो है कि नहीं ब्रेड बीड मस्त वड़ा पाव खा रहे हो आप लोग लाइक रेस्ट योर बॉडी रेस्ट यू डोंट वांट टू स्टडी यू डोंट वॉन्ट टू कॉपी द थिंग्स है ना मस्त आप देख रहे हो भाई ए मजाना लाइफ चल रहा है आपका है ना रेस्ट इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट सराउंडिंग है ना तो आप कैसे ऐसा सोफे पे बैठे हो बेड पे बैठे हो ऐसा गैलरी में बैठे हो बैठे बैठे आप सराउंडिंग को ऑब्जर्व करो यू आर नॉट चेंजिंग योर पोजिशन है ना घर वाले मार उठाते लेकिन स्टिल आपकी बॉडी जो है वो वो आप नहीं चाहते हो कि उठना है वो ऐसे है है एकदम ना तो कितना जाता आधा घंटा एक घंटा कुछ कुछ बच्चे तो 24 घंटा एक जगह पे बैठते हैं भाई उनको खाना पीना सब बेड पे चाहिए है, है ना सो so सराउंडिंग के साथ टाइम तो बढ़ रहा है आपका सराउंडिंग वही है आप अपनी पोजिशन चेंज नहीं कर रहे हो अगर ऐसा है तो इसको हम लोग बोलेंगे मोशन ठीक है अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो है ना विथ टाइम एंड विथ सराउंडिंग इसको बोलेंगे मोशन तो एग्जाम्पल के तौर पर अभी आप कड़े कड़े ऐसा मतलब वीडियो देख रहे हो बेड पे बैठे हो सोफे पे बैठे हो इधर उधर बैठे हो है ना और आपको लाइक बेडरूम में जाना है कुछ तो लाइक टाइम पास करने गए आप या इधर से आप चार पैर चले है ना तो आपने मोशन किया है यहाँ पे सो मोशन इफ ऑब्जेक्ट चेंज इट इज पोजिशन विदाइम विध रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग है ना मेरा एक फ्रेंड था इससे रिलेटेड एक बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ आपको पता है वो गूगल प्ले स्टोर पर ना एक एप्लीकेशन आता है वो एप्लीकेशन अगर आप ना ऑन करते हो तो है ना आपको पता चलता है कि आपने कितने आपने फूड्स चले कितने आप चले हो है ना तो वो मतलब ऐसा ही आपकी जैसा एक मजानी लाइफ था उसका एक आराम से जिंदगी चाहिए भाई एक जगह पे बैठा तो बैठा चार चार घंटा मतलब उठना ही नहीं है सब ठीक है तो उसको वेट लॉस करना था वो बंदे का वजन था कुछ नब्बे नाइन्टी फाइव के जी हेवी था और उसको वजन कम करना था तो अभी उसने डिसाइड किया कि मैं बहुत चलूंगा और उसने एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड किया मस्त सब कुछ है ना और ना दो दिन के बाद उसने देखा ठीक है कि एप्लीकेशन कितना है तो उसको पता चला कि है ना वो कुछ हंड्रेड मीटर ही चला है लाइक घर से लिफ्ट तक फिर लिफ्ट से वो नीचे जाएगा और जैसे ही वो लिफ्ट से नीचे गया वहां से कार तक बस उतना ही चला है वो और जहां पे भी जाना है वहां से सब्जी वगैरह लिया खाना के सामान लिया वापस गाड़ी में बैठा ऐसे करके दो दिन के बाद उसने देखा उसको पता चला हंड्रेड मीटर चला है एनीवेज क्या करना है अभी अपने को क्या करना है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेबल है ना अभी इसका मतलब क्या है एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं ऑब्जेक्ट इन वन सिचुएशन कैन बी एट रेस्ट बट इन अदर सिचुएशन इट कैन बी न मोशन अभी इसका मतलब क्या है मान लो एक ट्रेन है ट्रेन ट्रेन के अंदर पैसेंजर लोग बैठे है कि नहीं आप बैठते हो ऐसे ट्रेन में एक दूसरे को घूरते हो नहीं तो फिर ऐसा मोबाइल में ऐसा गाना सुनते सुनते आप जाते हो सामने वाले पर्सन को देखो वो अपनी जगह पे है उसने अपना पोजिशन चेंज नहीं किया है सो ही इज एट रेस्ट है ना सो so, पैसेंजर इन अ ट्रेन एट रेस्ट तो ट्रेन को मूव करने दो लेकिन अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनको क्या लगता है वो रेस्ट में ही है मान लो बाहर से एक पर्सन ये ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा है उसके अंदर के पैसेंजर्स को भी देख रहा है तो ये जो पर्सन है इसको लगेगा कि ट्रेन मूव कर रहा है और अंदर के पैसेंजर्स भी मूव कर रहा है लेकिन अंदर के पैसेंजर्स को क्या लगेगा वो तो अभी भी रेस्ट में तो एक केस में ऐसे लग रहा है कि सब कुछ रेस्ट में है और जो भी सेकेंड आप देखते हो तो लगता है कि सब कुछ मोशन में तो इसके लिए बोला जाता है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं मान लो ये अर्थ है बिचारी आपकी है ना और यहाँ पे आप ऐसा बैठ के मेरे वीडियोस देख रहे हो ऐसा केडीपी सर के वीडियोस देख रहे हो ऐसा पढ़ाई कर रहे हो है ना एक जगह पे बैठ के और मान लो आपका एक दोस्त है जो मार्स पे ऐसा जा चुका है अभी है ना मतलब इधर से अभी वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है तो इसको क्या दिखेगा ओवरऑल अर्थ मूव कर रही है रिवॉल्विंग अराउंड द सन तो ये चीज ये पर्सन देख रहा है तो अगर मैं अर्थ पे आपके बाजू में खड़े रह के आपको देखू ठीक है ना ये आपके मॉम डैड आपको देख रहे हैं तो आप रेस्ट में हो लेकिन अगर आपका पर्स फ्रेंड जो मार्च पे जाके आपको देख रहा है है ना कि बाबा काय करते है तो अब बस है ना तो फिर ऐसे स्पेसिफिक केस में ये जो पर्सन है आपको ऐसा लगेगा कि ये मूव कर रहा है पूरी अर्थ मूव कर रही है तो पहले केस में ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में था लेकिन सेकंड केस में अगर आप देखते हो तो ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट इन वन सिचुएशन कैन बी एट रेस्ट बट इन अदर सिचुएशन द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी इन अ मोशन सो हम बोल सकते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी है ना तो मोशन कौन से कौन से होते हैं और उसके टाइप्स कौन से कौन से होते हैं ये हमें पता होने चाहिए टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी रेक्टिलीनियर मोशन रेक्टिलीयर मोशन का मतलब क्या होता है एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है तो जब भी मैं ऑब्जेक्ट वर्ड यूज करूंगा आपको समझना है कि मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि डिस्टेंस जो होगा वो कंपेरेटिवली बड़ा होगा एज कंपेयर टू साइज ऑफ अ ऑब्जेक्ट है ना सो रेटिलीनियर मोशन पार्टिकल ऑफ मास मास एम जिसको हम लोग पॉइंट बोलेंगे मूव अ स्ट्रेट लाइन तो यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने बोला है मास एम पॉइंट मास है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन कोई भी एक्सिस पे हो सकती है कहाँ पे भी हो सकती है एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस अलोंग और कहाँ पे भी वो मूव कर सकता है लेकिन स्ट्रेट लाइन में जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे रेक्टी लीनियर रेक्टी लीनियर मोशन

प्रॉपर्टीज ऑफ मास क्या हो सकता है वो सब्सटेंस क्या है इससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए तो ये मूव कर रहा है एक जगह जगह से दूसरी पे दिखाई देगा इधर ये आपका सेकंड पार्टिकल किधर दिखाई देगा इधर थर्ड पार्टिकल किधर दिखाई देगा इधर तो पहला पार्टिकल ने अगर डिस्टेंस डी कवर किया है तो सेकंड भी कितना डिस्टेंस कवर करेगा डी थर्ड भी कितना कवर करेगा डी और यहाँ पे एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे सारे सारे के सारे डी डिस्टेंस कवर करेंगे और यही चीज को अगर मैं जूम आउट करके देखता हूं तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये इधर गया तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया डी कवर किया समझ रहा तो जब भी हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में बात करते तो हम लोग इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोशन भी देखते हैं कि वो कितना मूव कर गए सो एनीज इसका डेफिनेशन देखते हैं तो यहाँ पे नॉट पॉइंट मास हम कंसिडर करेंगे तो बड़ा ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे ऑल कॉन्स्टिट पार्टिकल्स मूव साइमल्टेनिय Along a lines. तो ये move कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन आप देखो पैरल स्ट्रेट लाइन एंड शिफ्ट थ्रू इक्वल डिस्टेंस गिवन टाइम इंटरवल शिफ्ट थ्रू इक्वल डिस्टेंस इन ना तो पे ये हो गई आपकी ट्रांसलेटरी मोशन तो पहले केस में पॉइंट मास है सेकंड केस में बड़ा ऑब्जेक्ट है थर्ड केस सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है आपके पास एक पॉइंट मास है और वो एक सर्कल में मूव कर रहा है, है ना तो जब ये सर्कल में मूव करता है तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि ये सर्कुलर मोशन है और यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा या मास होगा वो पॉइंट मास कंसिडर करेंगे तो इट कैन बी अ कार जो एक सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रही है एक ट्रक जो सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है एक बड़ी सी ट्रेन जो बड़े सर्कल पे ट्रैवल कर रही है या फिर एक प्लेन जो सर्कल में मूव कर रहा है या एक शिप सर्कल में मूव कर रही है तो ये होता है आपका सर्कुलर मोशन

है ना? तो अगर आप वो ऑब्जेक्ट को घुमाते like तो भी रेडियस आर टू थर्ड जो है वो भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा उसका रेडियस होगा आर थ्री और जो एंथ वाला है वो भी एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा और क्या होगा आर एन अगर ये चीज को आप इस तरह से देखते हो देखो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्टिकल एम वन एम टू और सिमिलरली आपके पास ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे तो इसको अगर आप घुमा रहे हो तो ये क्या परफॉर्म करेगा देखो ना ये भी और ऐसे ही सारे पार्टिकल्स परफॉर्म करेंगे समझ रहे हो तो जो ऊपर के केस में आप देख रहे थे ना जब भी पॉइंट मास था तो सर्कल हो रहा था ठीक है लेकिन जब बड़ा ऑब्जेक्ट लिया तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बारे में आपने बात किया तो वैसे ही रोटेशन मोशन में ओवरऑल सारे पार्टिकल्स मूव करते हैं लेकिन उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट रिमेन्स सेम अब ये क्यों होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे जाके बात करने ही वाले तो ये है आपका सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन का बेसिक डिफरेंस नेक्स्ट जो मोशन का टाइप होता है दैट इज ऑसिलेटरी मोशन एंड उसके बाद होता है एक वाइब्रेटरी मोशन ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है है ना मान लो ये आपके पास एक रिजिड सपोर्ट है और यहां पे आपने एक सिंपल पेंडुलम कनेक्ट किया है ना और इसको अगर आप ऐसा टच कर रहे हो तो ये क्या होगा ऐसा कुछ मूव करेगा अलोंग मीन पोजिशन तो ये आगे जाएगा पीछे जाएगा आगे जाएगा पीछे जाएगा और ये जो टाइप ऑफ मोशन होता है इसको आप क्या बोलते हो ऑसिलेटरी काइंड ऑफ मोशन समझ रहे हो तो यहाँ पे एक जब कवर करता है मतलब इनिशियल से एक्सट्रीम पे जाएगा उसके बाद वापस इनिशियल पोजिशन अगेन एक्सट्रीम और वापस इनिशियल पोजिशन पे आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑस्टिलेट्री मोशन और ये कंपेरेटिवली थोड़ी सी स्लो मोशन होती है लेकिन अगर आप वाइब्रेटरी मोशन देखते हो तो देखो न, एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट आपका बहुत फास्ट मूव करेगा आपके पास वो देखा होगा आपने सिविंग नीडल जब भी कपड़े सिलाने वाली मशीन होती है वहां की नीडल देखो कितनी फास्ट एक जगह पे मूव करती दी है ना तो जो मोशन होता है इसको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन अभी क्वेश्चन आता है कि ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन में एक बेसिक डिफरेंस कौन सा है तो ऑसिलेटरी मोशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है ना ठीक है वो कंपेरेटिवली कम होती है और यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी होती है वो फास्ट मोशन होता है ना तो यहाँ पे टाइम कम लगता है यहाँ पे कंपेरेटिव टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है अभी ऑसिलेटरी मोशन वगैरह क्या है उसके बाद सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन ये जो सारी चीजें यहाँ पे लिखी है ना इसके ऊपर आपको इंडिविजुअल चैप्टर ही मिलने वाले हैं तो आगे जाके इसका सारा डिटेलिंग हम लोग देखने वाले हैं बट राइट नाउ हम लोग ने अभी तक क्या किया हम लोग ने टाइप्स ऑफ मोशन रेक्टीलिनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन को एक ओवरव्यू से देखा सो लेट्स हैव अ क्विक रीकैप हम लोग ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है सो मैकेनिक्स मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है ब्रांच ऑफ फिजिक्स अस डील्स विद स्टडी ऑफ अ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूवमेंट के बारे में आप बात करोगे क्लासिफिकेशन में तीन है स्टैटिक काइनेमेटिक्स और उसके बाद डायनामिक्स स्टैटिक का मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट यहां पे टाइम फैक्टर जो रोल प्ले नहीं करता नेक्स्ट है काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ अ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट फैक्टर्स जिसमें नेचर ऑफ फोर्सेस नेचर ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ बॉडी ये सारी चीजें आएगी जो मोशन को कॉज करते टाइम फैक्टर जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायनामिक्स

अपना पोजिशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव होते ट्रेन का एक्जाम्पल देखा ये अर्थ का एग्जाम्पल देखा और उसके बाद एंड में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ बॉडी देखे जिसमें रेक्टीनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन ऑसलेट्री मोशन वाइब्रेटरी मोशन के बारे में हम लोग ने डिटेल में देखा है लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन अभी एक बहुत अच्छी चीज है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसके बहुत सारे हैं पहले मैं कॉन्सेप्ट कर लेता और उसके बाद इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होते हैं और गेम मेकिंग जो होता है ना उसमें ये कैसे यूज कर सकते हो आप लाइक प्रोग्रामिंग यूज करके एक बेहतरीन गेम्स कैसे बना सकते हैं इसके एप्लीकेशंस भी आपको मैं बताऊंगा मजा आ जाएगा आपको के और लाइक एक शौक भी लगेगा कि ये जो बेसिक चीजें आपको दिख रही है ना उसके इतने बड़े एप्लीकेशन भी हो सकते हैं तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं सबसे पहले मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है तो मैंने यहाँ पे कंपेरेटिव फॉर्म में लिखा है चीजों को वन डायमेंशनल मोशन टू डायमेंशनल मोशन यहाँ पे लिखा है थ्री डायमेंशनल मोशन तो सबसे पहले देखिए वन डायमेंशनल मोशन क्या है द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी वन डायमेंशन इफ ओनली वन आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहने का मतलब यह है मान लो मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऐसा मूव कर रहा है यह स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है समथिंग लाइक दिस ऐसा हो सकता है या फिर आपकी तरफ आने वाला हो सकता है है ना तो अगर ये वेल डिफाइंड स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो ये अपनी पोजिशन चेंज कर रहा है और टाइम भी तो चेंज हो रहा है तो अगर ऐसा है तो हम लोग बोलेंगे ये वन डायमेंशन है तो ये हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता है ये वर्टिकल मूव कर सकता है ये आपकी तरफ आ सकता है दैट इज इट कैन बी एक्स एक्सिस इट कैन बी वाई एक्सिस इट कैन बी जेड एक्सिस तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उसका जो भी पोजीशन होगा उसको हम लोग एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अभी मेरा आपसे एक सवाल है मान लो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो अगर इस तरह से मूव कर रहा है तो इसका पोजिशन एग्जैक्टली exactly दिखाने के लिए मिनिमम कितने एक्सिस मुझे लगेंगे थोड़ा सोच के बताओ जिसके पास दिमाग है सिर्फ उसको आएगा बताओ अगर ये मोशन अगर मुझे रिप्रेजेंट करनी है तो कितने एक्सिस लगेंगे मिनिमम एक एक्सिस दो एक्सिस या फिर तीन एक्सिस किसको किसको लग रहा है टू एक्सिस रेज योर हैंड्स किसको किसको लग रहा है वन एक्सिस रेज योर हैंड्स किसको किसको लग रहा है थ्री एक्सिस रेज योर हैंड एनीस

तो कोई भी तीन एक्सिस यूज करके आप इसकी पोजीशन इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो बहुत सारे बच्चों को लगता है अगर ऐसा मोशन है तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स वाई यूज करके वो पोजीशन निकालते हैं लेकिन दैट इज नॉट द वे हमेशा जरूरी नहीं होता कि एक्स वाई जेड एक्सिस को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है आप इसको किस तरह से भी रोटेट कर सकते हो समझ रहे आप एनी वेज सो देखो ओपी पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस एक्स एंड यहां तक जाने के लिए उसको कुछ ना कुछ टाइम भी लगेगा तो अगर ऐसा है तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्स एक्स एक्सिस 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 तो यहाँ पे ये ये वाई जेड भी हो सकता है और होता है और होता आपका वन डायमेंशन मोशन हियर ऑब्जेक्ट मूव अलॉन्ग वेल डिफाइन स्ट्रेट लाइन पाथ इसको रेक्टिलियर मोशन भी बोलते हैं तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आप कंसिडर करने वाले हो इट विल बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ ट्रेन अलॉन्ग अ रेलवे ट्रैक तो अगर आपके पास रेलवे ट्रैक है तो देखो ना आपकी ट्रेन एक स्ट्रेट लाइन में अगर जा रही है तो उसको भी आप बोलोगे वन डायमेंशन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टन हाइट ऊपर से अगर ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी अगर मिनिमम एक एक्सिस भी मेरे पास है तो मेरा काम चल जाएगा तो इसको बोलते हैं मोशन इन अ वन डायमेंशन आई होप यहां पे आपको कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट देखते हैं टू डायमेंशनल मोशन तो टू डायमेंशनल मोशन आप किसको बोलोगे लेट्स रीड इट वंस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ सेड टू बी टू डायमेंशन इफ टू आउट ऑफ थ्री कोर्डिनेट स्पेसिफाइंग पोजिशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो यहाँ पे अगर कुछ लिखा नहीं है तो बाजू में है वही चीज है आपको यहाँ पे कंसिडर करनी है समथिंग लाइक दिस तो यह पहली लाइन इसमें से सिर्फ वहां पर जो वन डी रिप्रेजेंट किया है ना वो सिर्फ चेंज किया है और यहाँ पे जो वन वर्ड है वो टू से चेंज किया हमने और ओनली अगर आपको नहीं लिखना है यहाँ पे तो आप चल जाएगा आपका तो ये बन गया आपका डेफिनेशन आपने मैंने जो लिखा है उस तरह से आप नहीं करोगे आप अपने कॉपी में जब भी कॉपी करोगे तो सही ढंग से आपको लिखना है एनी वेस्त यहाँ पे मिनिमम दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास चाहिए एक्स और वाई तो इसके लिए मिनिमम दो एक्सेस चाहिए तो दो एक्सेस कौन से हो सकते हैं इट इट कैन कैन बी बी एक्स वाई वाई जेड एक्स एक्सेस कुछ भी हो सकता है तो सपोज मैंने क्या किया मेरे पास एक ये है Uh, एक बास्केटबॉल है उसको मैंने फेंका तो जब आप बास्केटबॉल फेंकते हो तो उसका मोशन कैसे होता है समथिंग लाइक दिस समझ लो आप तो कोई भी एक पॉइंट पॉइंटर करो लेट दिस इज इज अ पॉइंट पी तो यहाँ पे जो है दैट रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई तो मान लो ए कंसिडर किया तो एक्स वन वाई वन बी कंसिडर किया एक्स टू वाई टू तो अगर यहाँ पे ये यह पाथ पे अगर मुझे कोई भी पोजिशन चाहिए तो मिनिमम मेरे पास दो एक्सिस होने चाहिए दो एक्सिस कौन से हो सकते हैं एक्स वाई हो सकता है वाई जेड हो सकता है या फिर जेड एक्स हो सकता है इसको बोलते हैं टू डायमेंशन तो यहां पे दो कोऑर्डिनेट्स मिनिमम चाहिए आपको और आपके पास एक टाइम इंटरवल होना चाहिए तो 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 आपका फिक्स रहेगा एक, दो, तीन देखो ना तो अगर आप स्टार्ट करते हो तो टाइम एक ही चेंज होता है दो टाइम चेंज नहीं होते समझ समझ लो लेकिन पोजिशन जो है मिनिमम दो चाहिए तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्ट आप बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ प्लेन XY, YZ ZX से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसकी पोजिशन। तो मान लो लिया, एक प्लेन पे रखा है, है तो कैरम एक प्लेन है कैरम खेलो आप या फिर बिलियर्ड आपके पास है ना एनी वेज इंसेक्ट अगर मान लो यहाँ पे एक छोटी सी चीटी है वो अगर ये बोर्ड के ऊपर चल रही है तो ये बोर्ड के ऊपर चल रही है इसका मतलब ये एक प्लेन के ऊपर चल रही है तो ये प्लेन के ऊपर चल रहे है, तो हम बोलेंगे उसकी जो मोशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम टू डायमेंशन हमारे पास होनी चाहिए एंड नेक्स्ट है थ्री डायमेंशन थ्री डायमेंशन के लिए डेफिनेशन क्या होगी अ मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी थ्री डायमेंशन इफ थ्री आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स या फिर ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग पोजिशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम ठीक है तो इसके लिए ये थ्री डायमेंशन देखो और यहाँ पे थ्री इतने ही वर्ड चेंज किए बाकी सब कुछ सेम रहेगा आप मेरे जैसा शॉर्टकट डेफिनेटली यूज नहीं करोगे आपको ये पूरा लिखना है अभी क्वेश्चन ये आता है है मान लो मेरे पास एक रॉकेट और वो रॉकेट आपने मूव करवाया स्पेस में तो डेफिनेटली उसका पोजिशन रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वाई और जेड तीनों एक्सेस आपके पास होने चाहिए मान लो एक ये है फ्लाई है फ्लाई या बर्ड है बर्ड स्पेस में किधर भी रैंडमली मूव करता है या फिर अगर आप देखते हो कि गैस मॉलिक्यूल है वो रैंडमली किधर भी मूव करता है तो उसकी पोजिशन अगर एक्जैक्ट बताना है तो मिनिमम एक्स वाई और जेड ये तीनों एक्सिस का प्रेजेंस होना जरूरी है हो और टाइम फैक्टर आपके पास होना चाहिए तो देखो ना मोशन अगर आप किधर भी करो रहे तो टाइम तो एक ही चेंज होगा लेकिन पोजिशन जो है वो एक्स वाई जेड से ही आप बता सकते हो सो दिस इज अ पॉइंट पी एनी सो ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्पेस एक्स वाई एंड जेड से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एग्जांपल के तौर पे रैंडम मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल बर्ड मूविंग इन अ स्काई समझ रहे डिस्कशन मोशन इन टू एंड थ्री डायमेंशन का डायमेंशन 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 मोशन के तो आपने देख लिए अभी देखते हैं इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की वन डायमेंशन टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन आप यूज कहां पे कर सकते हो आपको पता है गेमिंग ये एक बहुत फेमस चीज है आप नहीं क्या पबजी खेलते हो या फिर ना आप रेसिंग के गेम्स खेलते हो आपको पता है सबसे पुराने जमाने में एक ब्रिक गेम करके आता था ब्लैक कलर का होता था जिसके ऊपर आप खेलते थे पहले आप वीडियो गेम्स होते थे आपके पास ठीक है या फिर आपके दो आपका ब्रदर है या फिर दोस्त है उसके पास पुराने वीडियो गेम्स है तो देखो है ना तो कार रेसिंग के गेम खेलते थे आप उसके पास पार्टन करके गेम आता था मारियो का गेम आता था फेमस है ना मारियो मूव कर रहा है तो अभी ना क्वेश्चन ये आता है कि इतना जो पढ़ रहे हो ना आप उसको यूज कैसे करोगे तो ये जो है ना इसके एप्लीकेशन आपको गेमिंग में दिखाई देते गेमिंग हमें यह भी सीखना है कि जो भी फिजिक्स आप पढ़ रहे हो ना उसके एप्लीकेशन कहां पर तो मैंने शॉर्ट में बता देता हूं कि ये ना एप्लीकेशन आपको कहां पर दिखाई देते सबसे सब पहले जो शुरुआती समय में जो गेम्स बने थे ठीक है ना तो फिजिकल गेम होते थे लेकिन जैसे ही कंप्यूटर्स यूज़ करना स्टार्ट किया लोगों ने जब ही वो इंटेल आपका ये प्रोसेसर्स बनना स्टार्ट हो गया अभी तो लाइक इंटेल वगैरह आप यूज़ करते हो कोर वगैरह आई फाई आई सिक्स आई सेवन ठीक है लेकिन पहले ज़माने में जो बेसिक बने थे माइक्रो प्रोसेसर्स वो यूज़ करके गेम्स को बनाया गया था तो इनिशियल टाइम पे जो गेम बनाए गए थे ना उसमें वन डायमेंशन मोशन का यूज किया गया था देखो ना एक सिंपल सी बात बताता हूं मैं आपको आपका ना जब इंटरनेट बंद होता है ना तो वो टाइम पे आप ना वो गूगल क्रोम में जाओ तो अपने आप ना वो एक छोटा सा गेम स्टार्ट हो जाता है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ऐसा जस्ट जम करने लगता है देखो आपके मोबाइल में है तो पहले के जमाने में जब गेमिंग इनिशियल टाइम पे था तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो थी ना वो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी इतनी पावरफुल नहीं थी जो आज के जमाने में आपको मिलते हैं उनके एडवांस वर्जन तो जो प्रोग्रामिंग की जाती थी वो C++ यूज होता था जावा करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो आज भी यूज होती है अभी जो नए आए वो पाइथन तो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आगे जाके अगर कंप्यूटर साइंस ले रहे हो आईटी ले रहे हो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच अगर आप दूसरे ब्रांच के भी स्टूडेंट हो तो प्रोग्रामिंग आप

वो नहीं क्या ब्रिक गेम में आता था ऐसा अगर ब्लॉक को पुट करके यहाँ पे प्रॉपर एक ऐसी इमारत बनानी है ऐसा कुछ है तो ऐसे स्पेसिफिक केस में एक लाइन में अगर मेरा ऑब्जेक्ट जा रहा है तो इसकी एग्जैक्ट पोजिशन मुझे बतानी पड़ेगी तो जो आपकी लैंग्वेज होती है ना सी प्लस प्लस इसमें ना सबसे पहले आपको फाइल्स रखने पड़ते हैं शॉर्ट में बता देता हूँ हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच ऐसा सब फाइल होता है और उसके बाद यहाँ पे आपको कोड लिखना होता है तो ये जो कोड होता है ना इसमें आपको ये पोजिशन जो होती है कि आप ओरिजिन कहाँ पे कंसिडर कर रहे हो उसके बाद ओवरऑल ये कितना है कितने बाय कितने का मैट्रिक्स आप कंसिडर करने वाले हो तो ये तो सारी चीजें होती है वो आपको कोड में लिखनी पड़ती है और जब भी आप स्ट्रेट लाइन अगर आपको अच्छे से पता है तो ऐसे टाइप के गेम्स आप सही ढंग से बना सकते हो ये हो गया इसका फर्स्ट एप्लीकेशन दूसरा एप्लीकेशन या दूसरा गेम आप सब लोग ने खेला है देखो ये वाला मारियो वाला गेम है ना तो मारियो वाला गेम देखो कैसा होता है यहाँ पे समथिंग लाइक दिस ऐसा कुछ होता है यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ होता है कि नहीं और यहाँ पे ऐसा होता है मारियो आप यहां से स्टार्ट करते हो इधर खड़ा होने के बाद वो ऐसा जंप करता है तो जब मारियो जंप करता है तो क्या होता है है ना ये जंप किया इसमें से वो एक पावर आया ये पावर नीचे जाता है और मारियो आपका बड़ा होता है तो जब भी जंप कर रहा है या फिर चल रहा है तो जब भी मारियो मूव करता है तो इट इज मूविंग इन हॉरिजोंटल डायरेक्शन जब भी जंप करता है इट इज मूविंग इन वर्टिकल डायरेक्शन हारिजोंटल डायरेक्शन में जा रहा है मतलब वो क्या परफॉर्म कर रहा है वन डायमेंशनल मोशन वर्टिकल जा रहा है मतलब क्या परफॉर्म कर रहा है टू डायमेंशनल वन डायमेंशनल मोशन है ना वर्टिकल एक्सिस पे उसके बाद यहां पर आने के बाद ऐसा जंप करके यहां पे आएगा और उसके बाद जब भी वो जम्प करेगा ऐसा कुछ तो आपको दिखेगा है कि नहीं Something like this. अभी मान लो ऐसे अगर मुझे ऊपर तो चढ़ाना है तो ऐसे स्पेसिफिक केस में वन डायमेंशन यूज करके भी ये मोशन को सॉल्व किया जा सकता है अभी हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज कर रहे कि अगर ये टू डायमेंशन है तो यहां से यहां तक मारियो कैसे जाएगा टू डायमेंशन यूज कर रहा है है ना तो ये जंप वगैरह रिप्रेजेंट करने के लिए जब भी आप कोड लिखते हो मान लो ये जावा में अगर प्रोग्राम लिखा है तो यहाँ पे आपको इसके रिस्पेक्टिव पोजिशन सारे मेंशन करने पड़ते हैं तो जब ये गेम बनता है ना तो इसके सारे जो लेवल्स है देखो ना ये अभी यहाँ पे कुछ नहीं यहाँ पे खड्डा है तो जब भी ये बनाया गया था ये सरफेस तो उसको डायमेंशंस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि कितना ऊपर चाहिए उसका कलर कोड क्या होता है उसको बनाना पड़ता है पूरा यहाँ पे देखो ना आपको ब्लू कलर का काय दिखाई देता है जो चीज आप देखते हो ना स्क्रीन के ऊपर उसके पीछे एक तगड़ी प्रोग्रामिंग होती है और वो तगड़ी प्रोग्रामिंग अगर आपको पता करनी है तो आपको वन डायमेंशन टू डायमेंशन बहुत अच्छे से आने चाहिए इसका और एक बेहतर एग्जाम्पल देता हूँ एंड्रॉयड पे बहुत सारे गेम्स आप खेलते हो है ना तो वो वाला गेम खेला है क्या आपने यहां से एक ऑब्जेक्ट को फेंक के यहां से यहां तक हिट करके आप करवाते हो एंग्री बर्ड एंग्री बर्ड है ना एंग्री बर्ड आप सबने खेला होगा या देखा होगा तो यहां से आप खींचते हो समथिंग जो भी ऑब्जेक्ट है और उसके बाद यहां पे जाकर हिट करके वो चीजों को डिस्ट्रॉय करता है देखो ना ये मोशन कौन सी है प्रोजेक्टाइल मोशन तो प्रोजेक्टाइल मोशन अभी अभी हम लोग ने देखा प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए मेरे पास टू डायमेंशन का बेसिक्स अच्छे से आना चाहिए तो अगर टू डायमेंशन मुझे अच्छे से आ रहा है तभी जाके ऐसे टाइप के मोशन जो है वो हम सही ढंग से कर सकते हैं अभी यहां से यहाँ तक हिट करने के लिए कितने प्रिसाइज लोकेशन चाहिए उसके लिए तो हमें प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए जो आगे जाके हम लोग पढ़ने ही वाले में सिखाऊंगा आपको लेकिन फिलहाल तो मुझे आपको क्या बताना है? ये जो आप डायमेंशन बेसिक पढ़ रहे हो ना ये जो रट्टा मार रहे हो ये नहीं मार रहे है। हमें समझ के लेना है कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे आएगा तो ये एक एग्जाम्पल हो गया और एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा थ्री डायमेंशन का तो आज तो बहुत सारे थ्री डायमेंशन गेम आ गए है ना कार रेसिंग वाले देखो कार रेसिंग वाले अगर आप गेम देखते हो ना तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी है ना समथिंग लाइक दिस ऐसी एक कार होती है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है तो ये रोड फाइटर करके आई गेस पहले गेम आता था स्काई रोड्स करके एक पुराना गेम था जब ही आई वॉज इन स्कूल तो एट दैट टाइम कंप्यूटर पे हम लोग खेलते थे तो स्पेस बार वगैरह यूज करके वो जम्प करती थी कार तो ये वन डायमेंशन हो गया समझ रहे हो लेकिन आज अगर आप कार रेसिंग के गेम देखते हो बाइक रेसिंग के गेम देखते हो तो थ्री डायमेंशन दिखाई देता है आपको, है आपको व्यू ना पूरे पर्सन को आप से देख सकते हो फीफा के गेम देखो फीफा फीफा तो आपको एकदम पूरा लाइव लगता है ना या फिर क्रिकेट देखो आप क्रिकेट के गेम्स लाइव ऐसा लगता है कि प्रॉपर पर्सन ही खेल रहा है तो ये जो लाइव काइंड ऑफ गेम्स होते हैं ना इसमें थ्री डायमेंशन यूज करना पड़ता है और थ्री डायमेंशन के लिए अभी अभी आपको जो मैंने सिखाया था वो सारी चीजें काम में आती है तो समझ रहे हो आप दिस इज हाउ चीजें वर्क करती है तो जो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो ना उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो अगर आपको सही ढंग से यूज कर रहे हैं तो आगे जाके आप अपना प्रोग्रामिंग स्किल्स यूज करो ये बेसिक यूज करो करो उसका एक प्रॉपर कंपाइलेशन बेहतरीन गेम्स आप खुद से बना सकते हो कोई भी एज लिमिट नहीं होती है गेम बनाने के लिए सो दिस इज हाउ जो फिजिक्स आप पढ़ रहे हो उसके साथ आप रियल लाइफ के साथ उसको कनेक्ट करो एंड यू कैन अर्न लाइक अल्प है ना बहुत तगड़ा पैसा कमा सकते हो बहुत अच्छा नाम आप कमा सकते हो सो आई होप अभी हम लोग ने जो मोशन इन वन टू

ऐसे स्पेसिफिक केस में आपको क्या पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्ट की पोजिशन एक स्पेसिफिक टाइम पे वो इंस्टेंट पे कितनी है ये सब टाइप के क्वेश्चन आपको दिखते हैं और उसको सॉल्व अगर अच्छे से करना है तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का ये जो मैंने यहाँ पे जो ग्राफ के टर्म्स में या फिर मैं बोल सकता हूं एक प्रॉपर फॉर्मेट जो आपके पीछे दिया है उससे आपको एक पूरा आइडिया आ जाएगा तो वन बाय वन ये चीज को हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं आपको ये पूरा फिक्स हो जाएगा आपके दिमाग में और ये एक बहुत आसान सी चीज है मोशन इन स्ट्रेट लाइन अभी सबसे पहले देखते हैं कि मैथमेटिकली हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं तो yes. है, अगर ऑब्जेक्ट की मोशन अगर हम लोग वन डायमेंशन में देखते हैं तो एक्स क्या होता है एफ ऑफ टी दैट इज अज अ फंक्शन ऑफ अ टाइम है नहीं तो अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो कौन सा फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टाइम तो टाइम ये एक महत्वपूर्ण चीज होती है सो एक्स इज अ फंक्शन ऑफ अ टाइम इन वन डायमेंशन टू मेजर बोथ पोजिशन एंड टाइम एट वेरियस इंस्टेंट इज most इंपॉर्टेंट थिंग तो यही चीज को हम लोग को समझ के लेना है तो वन by वन हम लोग यहाँ पे जितना भी मैंने ड्रॉ किया है उसको सही ढंग से समझने की कोशिश करते हैं आपको ये easily समझ जाएगा कभी भी दिक्कत नहीं होगी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है एक scenario कंसिडर किया है ये scenario क्या है सबसे पहले देखो मान लो मेरे पास एक गाड़ी है ठीक है और अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं एक ट्रिप एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है हमें ठीक है या फिर मुंबई से मान लो मुझे महाबलेश्वर तक जाना है है ना तो फिर हम लोग क्या करेंगे जब भी हम लोग घर से निकलेंगे तो एक कोई तो टाइम होगा मान लो आप सुबह छह बजे निकले सात बजे निकले नौ बजे निकले रात के दस ग्यारह कभी भी आप निकल सकते हो है ना तो जो भी टाइम से आप घर से निकल रहे हो उसको अगर हम लोग ओरिजिन कंसिडर कर दे तो फिर सीन क्या होगा मान लो यहाँ पे नौ बजे हम लोग घर से निकलते हैं एक घंटे के बाद मान लो आप पनवेल पहुंच गए उसके बाद एक घंटे के बाद आप किधर तो पुणे में पहुंच गए उसके बाद मान लो आप और एक दूसरी जगह पे गए और ऐसे आप चलते जा रहे हो है ना तो मतलब आपने क्या किया एक एक घंटे का टाइम इंटरवल लिया और उसके बाद आपने देखा कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है और उसके हिसाब से हम लोग अभी चीजों को पढ़ने वाले तो सबसे पहले देखो नाइन ए एम ये टाइम को हम लोग ओरिजिन कंसिडर करते क्योंकि यहां से हम लोग निकल रहे हैं तो ये जो एक एक्सिस मैंने ड्रॉ किया है यहां पे मैं टाइम एज वेल एज पोजिशन दोनों के बारे में बात करूंगा और उसके बाद हम लोग टाइम एंड पोजिशन को डिफरेंट फॉर्म में देखेंगे ओरिजिन की पोजिशन हम लोग चेंज करेंगे और उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस या फिर पोजिशन किस तरह से अफेक्ट होता है वो हमें चेक करना है तो सबसे पहले देखो नाइन ए एम यहां से आप निकले उसके बाद टेन ए एम है ठीक है उसके बाद ग्यारह ए एम तो इलेवन ए ए एम जब ही हो गया था तो आप एक पोजिशन पे पहुंच गए लेट दैट पोजिशन इज ए आप बोलेंगे टेन एम को ए क्यों नहीं बोलो आपको बोलना है बोलो ड मैटर ठीक है इधर ए बोलो एक्स बोलो वाई बोलो अल्फाबेट्स मैटर नहीं करते तो ये एक पोजिशन है ए तो 9 एम से लेके 11 एम ये टू आवर्स का टाइम हो गया और यहां पे जो पोजीशन है दैट इज 80 किलोमीटर आपने 80 किलोमीटर इतना मूवमेंट किया सेकेंड है बारह बज गए दोपहर के आपने हंड्रेड किलोमीटर इतना डिस्टेंस कवर किया उसके बाद वन पी और उसके बाद टू पी पे मान लो फाइनल लोकेशन पे पहुंच रहे हो है ना तो टू पी पे आप एक सी पोजिशन पे पहुंच रहे हो और यहाँ पे मान लो आपका डिस्टेंस है वन किलोमीटर उसके बाद आपको आगे जाना है आप मूव कर सकते हो डजेंट मैटर एनी वेज सो यहाँ पे 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर 140 किलोमीटर रिप्रेजेंट्स रिस्पेक्टिव पोजिशन एट ए बी एंड सी एंड नाइन एम टेन एम इलेवन ट्वेल्व वन टू थ्री रीप्रेजेंट टाइम इंटरवल अभी वन बाय वन हम लोग केसेस देखते हैं सपोज मैंने जीरो यहाँ पे कंसिडर किया जब भी नौ बजे थे उसको अगर मैंने माना कि ये मेरा ओरिजिन है तो ओरिजिन से हम लोग टाइमर स्टार्ट करेंगे तो जब भी हम लोग टाइमर स्टार्ट करते आपके पास स्टॉप वॉच होता है मोबाइल में तो जब भी आप उसको ऑन करते हो वो जीरो से स्टार्ट होता है कि नहीं तो नाइन एम को मान लो आपने टाइमर वो स्टार्ट कर दिया तो टी इक्वल टू आपका जीरो है तो जब ये आप ए पे पहुंचोगे तो अल्टीमेटली टाइम आपका कितना होने वाला है टू आवर्स क्लॉक पे क्या दिखेगा उसके बाद बारह बजे थ्री आवर्स उसके बाद एक बजे चार घंटा और यहां पे आपका फाइव आवर्स उसके बाद सिक्स आवर्स जो भी है तो ये क्यों हुआ क्योंकि टी को एज आप ओरिजिन कंसिडर कर रहे हो सो कंसिडर ओ एज ओरिजिन फॉर द टाइम एक्सिस तो ये आपने सबसे पहली केस देखी के. केस नंबर टू देखते हैं मान लो यहां पे इसमें से कोई भी अल्फाबेट में से एक रैंडम आप अल्फाबेट कंसिडर करो और उसको ओरिजिन कंसिडर करो तो सपोज बी हम लोग ने चॉइस किया और इसको हम लोग ओरिजिन कंसिडर करें सो लेट इट इक्वल टू जीरो तो अगर यहां पे टाइम आपका जीरो है तो ऐसे स्पेसिफिक केस में थ्री और फाइव के बीच में डिस्टेंस कितना होता है अंतर कितना होता है टू का तो यहाँ पे सी होगा आपका टू आवर्स लेकिन ये अगर जीरो है तो मोशन तो आपने कब से स्टार्ट किए नौ बजे से स्टार्ट किए लेकिन ओरिजिन हम अगर बी पे कंसिडर कर तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट आपका बी से स्टार्ट आप कंसिडर कर रहे हो आपका ऑब्जेक्ट पहले ही स्टार्ट हो गया था हम लोग क्या कर रहे हैं इसको एक शिफ्ट करके देख रहे हैं अगर बी को ओरिजिन कंसिडर किया तो आगे वाला टाइम और पीछे वाला टाइम क्या फर्क होगा तो यहाँ पे देखो ए वाली पोजिशन देखो ना थ्री और टू तो ये माइनस वन आर माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है पहले से ही चल के आ रहा है ऑब्जेक्ट उसके बाद यहाँ पे माइनस थ्री आर्स माइनस थ्री आर्स ऑब्जेक्ट जगह पे था और वहां से आपने शुरू किया था तो ये था आपका एकदम ओरिजिनल है ना और ये हम लोग हमारे रेफरेंस के लिए कंसिडर कर रहे हैं सो इफ बी ओरिजिन कंसिडर किया तो आपके टाइम इस तरह से चेंज होगा तो ये होगा जीरो टू आर ये होगा माइनस वन आर ये होगा माइनस थ्री आर उदाहरण के तौर पर मान लो सी को अगर आपने ओरिजिन कंसिडर किया तो ये टी आपका जीरो होगा है कि नहीं तो ये कितना होगा आपका माइनस टू होगा क्या ये कितना होगा माइनस थ्री है ना और उसके बाद फिर जो रिस्पेक्टिव है वो एनी अगर आपने ए को कंसिडर किया तो अगर मान लो यहां पे आपने यही जीरो कंसिडर किया तो ये क्या होगा आपका वन ये टू ये थ्री और ये क्या होगा आपका रिस्पेक्टिव माइनस टू समझ रहे आप तो इस तरह से आप कोई भी ओरिजिन कंसिडर करके वैल्यूज को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो नेक्स्ट है आपके पास पोजीशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ठीक है तो पोजिशन के बारे में बात करने के लिए मान लो यहां से आपने स्टार्ट किया था उसको अगर एक्स इक्वल टू जीरो से स्टार्ट कर रहा है so, 0, x equal to 0, तो a पे आप रहे जीरो पहुंचे तो एट्टी किलोमीटर तक पहुंचा था बी 100 किलोमीटर था और सी जो था 140 किलोमीटर सो यह क्यू होगा क्योंकि कंसिडरिंग ओ एज अ ओरिजिन फॉर अ पोजिशन एक्सिस तो इसके लिए आप ये जीरो से स्टार्ट करके 140 किलोमीटर तक का अंतर इजीली दिखा पा रहे हो इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी का पोजिशन मान लो यहां पे अगर मैंने बी कंसिडर बी एज ओरिजिन ऐसा अगर लिया B ओरिजिन ऐसा अगर आपने लिया तो यहां पे B को आप एक्स इक्वल टू जीरो का कितना होगा ये 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 100 है और 140 है और 140 तो कितना होगा 40 किलोमीटर इसके पीछे का देखो माइनस ट्वेंटी माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पीछे से चल के आ रहा है ऑब्जेक्ट आपका तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है अर्लियर ऑफ ऑब्जेक्ट और उसके बाद ये क्या होगा माइनस हंड्रेड माइनस हंड्रेड क्या करता है अर्लियर पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट जहां से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया था ठीक है तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा पहले केस में हम लोग ने पोजिशन टाइम एक ही जगह रिप्रेजेंट किया उसके बाद ये स्प्लिट करके हम लोग रहे। आप में से कोई स्टूडेंट पूछेगा सर ये तो है तो फिर ये वापस क्यों पढ़ रहे हो ठीक तो है, 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 है तो जब आप मूवमेंट को एक्सट्रैक्ट कर करके पढ़ते हो तो ऐसे स्पेसिफिक केस में जो प्रोग्रामिंग करनी होती है जो सॉफ्टवेयर आपके पास होते हैं जो प्रोग्रामिंग करनी होती है वो करना आसान हो जाता है क्योंकि इंडिविजुअल चीजों के बारे में आप बात कर रहे हो तो जहां पे आपको डेटा फिल करना होता है वहां पे ये सब करना आसान हो जाता है तो इसके लिए स्प्लिट करके पढ़ते हैं समझ रहे हो तो ये जो पढ़ रहे ना हम लोग इसके एप्लीकेशन आपको फ्यूचर में दिखाई देने वाले हैं अभी क्वेश्चन ये आता है कि इतना जो पढ़ा है इसको कंक्लूड कैसे करें एक लाइन में अगर करना है तो तो हमें पता है कि एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस आप यूज कर सकते हो तो मान लो ओरिजिन ऑफ अ टाइम और अ पोजिशन एक्सिस कैन बी शिफ्टेड टू एनी पॉइंट ऑन रिस्पेक्टिव एक्सिस सो टाइम एंड पोजिशन आप कहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हो है ना इधर 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 जहां पे भी आपको करना है सो टाइम और डिस्टेंस टाइम या फिर डिस्टेंस अगर आप कंसिडर कर रहे हो एक्सिस पे लेट दिस इज एक्स एक्सिस सो ओरिजिन के राइट right पे जो भी आप लोगे लोगे दैट दैट विल विल बी बी पॉजिटिव ओरिजिन के लेफ्ट पे जो that will be negative. Vertical axis आप जो नेगेटिव वर्टिकल एक्सिस अगर आपने कंसिडर किया तो ओरिजिन के ऊपर जो भी होगा दैट विल बी पॉजिटिव ओरिजिन के नीचे होगा दैट विल बी नेगेटिव टाइम इंटरवल और डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट डू नॉट चेंज ड्यू टू शिफ्ट इन द ओरिजिन ऑफ द रिस्पेक्टिव एक्सिस तो अभी अगर आप देखते हो तो टाइम इंटरवल देखो ना यहां पे जीरो से ए दो घंटे का था मान लो यहां पे मैंने ओरिजिन ही शिफ्ट कर दिया इसको अगर मैंने ओरिजिन कंसिडर किया तो ये टाइम टू आर से वो तो चेंज नहीं होगा सिर्फ आप साइन चेंज कर रहे हो लेकिन जो दो घंटा है वो तो दो घंटा ही रहेगा दो घंटा पहले का बोलो या फिर दो घंटा बाद का बोलो है ना दो घंटा चेंज नहीं होगा या फिर ये जो डिस्टेंस है एटी किलोमीटर अगर ए पे ओरिजिन लेते हो तो एटी किलोमीटर चेंज नहीं होगा सिमिलरली अगर आपने सी पे कंसिडर किया ओरिजिन तो ये जो टाइम है वो तो सेम ही रहेगा है ना इतने घंटे बीत चुके हैं तो टाइम विल भी सेम और डिस्टेंस होगा वो भी चेंज नहीं होगा सो टाइम इंटरवल और डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट डू नॉट चेंज ड्यू टू शिफ्ट इन द ओरिजिन ऑफ अ रिस्पेक्टिव एक्ट समझ रहे हो तो ये जो चार पॉइंट है इससे आपका ये ओवरऑल डायग्राम उसका कंक्लूजन हो जाता है तो अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अभी आपको नोटबुक में यह सब कुछ कॉपी करना है आप क्या करोगे सबसे पहले ये हेडिंग लिखोगे ये पॉइंट्स कॉपी करोगे उसके बाद ये जो ग्राफ से वो आप सही ढंग से प्लॉट करने वाले हो क्योंकि अच्छे से एक बार कर लो तो आगे जाके जो न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ने हैं वो इजीली आपके हो जाएंगे तो जो पेन पेंसिल स्केल वगैरह लेके बैठे आप सामने तो आपको ऐसे ही नहीं बैठना है आपको ये प्रॉपरली ड्रॉ करना है स्केल लेके प्रॉपरली आप ड्रॉ कर दो और उसके बाद फिर आगे का पार्ट आप सही ढंग से पढ़ने वाले हो